मुरादाबाद जनपद में लगातार स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के सभी छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन कराने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्कूल प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के कांठरोड स्थित SS चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन कराया और सभी को जागरूक रहने का संदेश दिया। इस दौरान स्कूल के प्रशासक डॉक्टर अनिल अग्रवाल एडवोकेट ने वैक्सीनेशन संपन्न कराने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया और विद्यालय की सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाने के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देश भी दिए। डॉक्टर अनिल अग्रवाल एडवोकेट का ही कहना था कि आज विद्यालय में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय के अलावा अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी यहाँ पहुंचकर टीकाकरण में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल एडवोकेट ने सिटी चैनल के माध्यम से जनपद वासियों से अपील की कि यदि आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आज ही वैक्सीनेशन अवश्य करा ले। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार वैक्सीनेशन कैंप आयोजित हो रहे हैं और सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कैंप में सभी स्कूल भी अपना भरपूर सहयोग दें, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो सकें और पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। ऐसा है, भारत सरकार द्वारा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक बृहद योजना चलाई गई है, जिसमें कि हर एक बच्चे का वैक्सीनेशन होना है। जो 14 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और 14 साल से एक दिन भी ऊपर हो गए हैं, मतलब 15 साल की श्रेणी में आ गए हैं, 18 साल तक की आयु के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनका कोविड के लिए वैक्सीनेशन होना कंपलसरी कर दिया है। और इसी के तहत आज हमारे SS चिल्ड्रन अकेडमी कार्ट रोड ब्रांच पर एक वैक्सीनेशन कैंप CMO साहब की तरफ से लगाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाया गया है, और हमने इसकी बहुत अच्छी तरीके से मैसेज भेजा है सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को, दूसरे स्कूलों को, कि जो भी बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं इस एज ग्रुप में 14 प्लस से लेके और 18 वर्ष की आयु तक के, उनको वैक्सीनेशन के लिए यहाँ भेजें। और अच्छा टर्नआउट दिख रहा है आज, और मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी हमारा जो कल तक वैक्सीनेशन था वो 85% बच्चों का हो चुका था, और जो लेफ्ट आउट बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों की तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो टर्नअप नहीं हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे टर्नअप हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो है 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो हमारा SS चिल्ड्रन अकेडमी का पूरा हो जाएगा। कोई अपील करना चाहेंगे इस विषय में सर, आप बात करेंगे? मेरी एक अर्नेस्ट अपील सारे लोगों से है, सारी जनता जनार्दन से है, एट लार्ज मैं मासेस को ये कन्वे करना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई कोरोना के अगेंस्ट हमारी सरकार लड़ रही है और पूरा विश्व लड़ रहा है, इसमें भारत ने एक अलग ही पहचान बनाई है। और उसकी वजह केवल ये है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति जागरूक है इस बात के लिए कि इस कोरोना से कैसे लड़ा जाए, और वैक्सीनेशन करा के इस कोरोना का इफ़ेक्ट बिल्कुल मिनिमाइज हो रहा है। चाहे कितना भी ओमिक्रॉन फैल रहा है इस टाइम, लेकिन उसका इफ़ेक्ट 5 से 7 दिन के अंदर ख़त्म हो रहा है, और ये वैक्सीनेशन की वजह है। और मैं कहता हूँ कि वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को करा लेना चाहिए। अब बहुत शीघ्र ही 12 से 15 साल तक के बच्चों की उम्र के लिए वैक्सीनेशन आने वाली है। सब लोग जागरूक हों और स्वयं आगे आएँ, वैक्सीनेशन कराएँ, कहीं कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, बस कुछ मिनट में ये वैक्सीनेशन हो के आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और इस कोरोना की ड्रेडफुल डिजीज़ से बचने का एक बहुत बढ़िया उपाय है। और सब लोग साथ आएँ और सब लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए तत्पर रहें।